नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं टेक्नो बेंगली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कराओके कवर सॉन्ग को किस तरह से रिकॉर्ड करें अपना होम स्टूडियो पे, यानी एफएल स्टूडियो के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अपना डिवाइस में मिलता रहे। और ये सब अगर आप पहले से करके रखें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक कराओके के साथ किस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं, कवर सॉन्ग किस तरह से मेकिंग कर सकते हैं अपना होम पे यानी घर पे। तो इसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, अगर कंप्यूटर नहीं है फिर भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल से किस तरह से करें वो एक अलग ट्यूटोरियल में आपको करके दिखाऊँगा। मोबाइल में भी बहुत ही आसानी से आप घर में कराओके के साथ कवर सॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर के थ्रू घर में किस तरह से आप बहुत ही आसानी से कराओके का कवर सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक कराओके ट्रैक आपके पास बहुत ही ज़रूरी है होना, और एक कंप्यूटर होना बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही एक लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि हम लोग यह इस्तेमाल करेंगे एफएल स्टूडियो। आप चाहे तो दूसरा और भी कोई डॉ यानी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ऑडासिटी, इस तरह से बहुत है, क्यूएस है, नीमडा है, प्रो टूल्स है, एफएल स्टूडियो है। तो नाम अगर इस तरह से बोलते जाएंगे तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे, बहुत सा है। आज हम लोग एफएल स्टूडियो के अंदर वॉइस ओवर करने वाला है, यानी कराओके कवर सॉन्ग किस तरह से रिकॉर्ड करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैं यहाँ पर एफएल स्टूडियो ओपन करके रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें वॉइस ओवर करने के लिए यानी कराओके कवर सॉन्ग कंप्लीट करने के लिए, कराओके कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक ट्रैक लेना चाहिए। तो इस तरह से आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए इस तरह से MP3 फाइल, तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपका डिवाइस में जहाँ पर आपका कराओके है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरा डेस्कटॉप में होगा शायद, तो इस तरह से आप देख पा रहे यहाँ पर है, बहुत सा देख पा रहा है आप, कराओके ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कराओके आप लेके वॉइस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूँ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि दूसरा तरीके से ले वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहा है बहुत सा ट्रैक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कौन सा ट्रैक हमें चाहिए। यह प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है, तो जस्ट ये ट्रैक को आपको उठा के यहाँ पर ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये ट्रैक आपके सामने आ जाएंगे, आप इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो ये मेरे सामने आ चुका है। अब वॉइस ओवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको मिक्सर पे जाना है, तो यह कोई भी चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप नाम दिख रहा है या राइट क्लिक करके अगर आप स्टीरियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन जो इन वन स्पेस इन टू इसको आप ले सकते हैं। अगर दूसरा चाहिए मोनो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप, तो जैसे कि इन वन इन टू दो ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, तो जो आपको पसंद आए यहाँ से सिलेक्ट करके आप माइक को टेस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आप सिलेक्ट करके वॉइस ओवर किया बाद में आपका
हाँ माइक सपोर्ट नहीं किया है ना। और अगर आपके पास माइक है तो आप यहाँ पर माइक भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ से ऑडियो सेटिंग, यहाँ जाने जाने के बाद आपको इस तरह से FL Studio SEO दिख रहा है। तो यह जैसा कि मेरे पास है USB ऑडियो कोड, ये एक ड्राइवर है, मैं अगर चाहूँ इसकी मदद से भी मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ। बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ FL Studio SEO ताकि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यानी ये सब झमेला में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक आसान सा तरीका कि बाय डिफ़ॉल्ट ये FL Studio आपका सेटिंग रहेगा। अगर आपके पास माइक है तो यहाँ से, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, यह आपको माइक अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन जो है दिख जाएगा। तो जो भी माइक आपके पास है वो यहाँ से आप सेट करके बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास साउंड कार्ड है वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। मेरे पास जैसा है USB ऑडियो कोड, ये एक्चुअली बहरिंजर का है। अगर आपके पास फोकस राइट है तो फोकस राइट का होगा, एम ऑडियो है तो एम ऑडियो होगा, मोटो का है तो मोटो होगा, मोनो है तो मोनो आएगा, है ना, मोनो। तो जो रोड है तो रोड का आएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कॉन्डेंसर माइक है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जो आपको बेहतर लगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और बफर लेंथ मैं यहाँ 512 रखा हूँ SEO पैनल। आप चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये ड्राइवर है। ओके, और प्रॉपर्टी हाईएस्ट आप चाहे तो इस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जैसा कि आपको यह और एक चीज़ दिख रहा है, तो यह आपको 512 में सिलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे आप रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो क्वालिटी अच्छा आएंगे लेकिन ये थोड़ा स्लो आएगा। ठीक है, इसको आपको बाद में एडजस्ट करना है, तो मैं फ़िलहाल इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख पा रहा है यह सेटिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल मैं इस चैनल पे देख रहा है आप इन वन किया हूँ, और साथ में EQ और फूटी पैरामेटिक EQ2, ये दो प्लगइन्स को मैंने इंस्टॉल जोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं वॉइस ओवर करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो ट्रैक है उसको एक बार प्ले करके सुनते हैं। सबसे पहले तो मुझे प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट, तो यहाँ से प्ले करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि जो गाना है एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार का ये सॉन्ग है, जो कि राजेश खन्ना के ऊपर शायद फिल्माया गया था, मुझे उतना ठीक तरह से याद नहीं है। तो जो भी है, चलिए एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वॉइस ओवर करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑडियो इन टू द एडिशन, ऑडियो रिकॉर्डर, ऑडियो इन टू द प्लेलिस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा ऑडियो इन टू द प्लेलिस्ट एज एन ऑडियो क्लिप। ओके, हाँ।
फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर हुआ है, तो सुरताल लॉय में भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस पे एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार सुन लेते हैं यहाँ से। ओके, तो मेरा साउंड काफ़ी कम सुनाई में दे रहा है। इस तरह से बहुत सा फ्रेंड्स है जो कि अक्सर पूछता है कि साउंड मेरा कम सुनाई दे रहा है, मेरा साउंड बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, पर क्यों, क्या करें? इसके लिए बहुत सा उपाय है, तो यह अगर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से इसको एक ट्रैक पे हम लोग असाइन कर देते हैं, ट्रैक मोड सबसे पहले चेंज कर देते हैं। रीनेम एंड कलर, यहाँ से हम लोग वोकल कहा है, वोकल, ओके, और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ से मीडी, ओके, आप सुनते हैं। ओके, तो यहाँ राइट क्लिक करना है और इसको एडिट सैंपल, इस पर राइट क्लिक करते हैं, तो यह हम लोग इसको देख पा रहे हैं। ओके, सुनते हैं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी। तो यहाँ से हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं, तो एनवलप नॉर्मल वाइड, तो हम लोग सबसे पहले इसको नॉर्मल करते हैं और सुनते हैं प्रीव्यू। एनवलप वाइड प्रीव्यू, स्मूथ प्रीव्यू, एक अजनबी हसी प्रीव्यू, एक अजनबी हसी, और नीचे आएगा यहाँ पर, सुनते हैं। एक अजनबी हसी, थोड़ा सा और डाउन करते हैं, एक अजनबी हसी। इस बार हम लोग यहाँ से करेंगे एक्सेंट, ओके, सुनते हैं क्या बना। एक अजनबी हसीना से, बहुत खूब। सबसे पहले इसको एक बार हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं, आप सुनते हैं। यूं मुलाकात हो गई, ओके, और यह हम लोग यहाँ पर हम लोग और भी कुछ इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, जैसा कि लिमिटर, तो यह प्ले करना पड़ेगा एडिशन पे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से
यूं मुलाकात हो गई। आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। वो अचानक आ गए यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। ए, 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 एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चाहे अगर चाहते हैं तो बहुत कुछ या इफेक्ट वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक बार विचार, थोड़ा सा रिवर्ब डालेंगे क्योंकि बिना रिवर्ब का अच्छा नहीं लगेगा। तो यह है रिवर्ब, इस थोड़ा हम लोग डालते हैं और एडिशन पे दोबारा हम लोग इसको प्ले करते हैं। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल ते। एक चीज गौर करने वाली बात है जो कि यहाँ पर आपको मतलब कि नॉइज दिख रहा है, तो ये हम लोग सबसे पहले रिमूव करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट क्लिक करके, ये एक्चुअली यहाँ फंस गया। ओके, तो आउटपुट नॉइज ओनली, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको एक्यूर नॉइज। ओके, अब कंट्रोल प्लस ए टाइप करेंगे, सिलेक्ट ऑल हो चुका है। दोबारा से हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट आपको एक्सेप्ट। तो देखिए काफी हद तक ये गायब हो चुका है, एक बार सुनते हैं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। एक अजनबी। ओके, तो यहाँ से एक बार हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर नॉइज रिमूव किया है। आप सुनते हैं। एक अजनबी हसीना से। ओके, अब रिवर्ब डालेंगे, तो वापस हम लोग एडिशन पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ
ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आ गई यू नजर के सामने। ओके, अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर और भी अगर चाहे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूँगा। ओके, तो अब दोबारा से हम लोग एडिशन पे क्लिक करेंगे और इसको प्ले करेंगे। आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चांद। तो मैं यहाँ पर सोलो मूड ऑन कर लिया हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। प्री और पोस्ट को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करेंगे। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई। सब नबी हसीना पे ये मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हाई फ्रीक्वेंसी। पल का साथ ये सारी उम्र मुझको रहेगा यार। मैं अकेला यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी। ओके, तो मेरा काम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भेज सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं तो ब्राउज रिफ्रेश हो रहा है और ये प्लेलिस्ट में चला जाएंगे। ओके, तो यहाँ फाइल पे जाते हैं और हम लोग प्लेलिस्ट पे जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो है इसको डिलीट करके हम लोग दोबारा इसको यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, आप सुनिए और पहले वाला वॉइस आप सुने हैं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को एक चीज ध्यान देना है।
आगे पीछे हो सकता है वॉइस, उसको थोड़ा आपको मैस करना है, ठीक है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। यह हम लोग को काट करना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे चला गया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे सीजर टूल, और यहाँ से हम लोग एक बार काट करेंगे, यहाँ से भी एक बार काट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। दोबारा सा पेंसिल टूल सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे, और एक चीज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, नान रखना है, मेन होके रखा है नान, तब जाके ये आप बहुत ही आसानी से जहाँ मर्जी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से देखते हैं। वो अचानक आ गई, वो अचानक आ गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, वो अचानक, वो अचानक आ गई यूं नजर, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से जा, वो अचानक आ गए यूं नजर के जा, जिगर होता मैं शायद कहता गज़लों पर, जाने माने मन, जाने मन, जाने मन जाने। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो इसको काट करेंगे यहाँ से, और इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट, ओके। जाने मन जाने जिगर, ये था पहले का वॉइस, इसको अगर म्यूट करके हम लोग सुनते हैं। खूबसूरत बात ये चार पल का, और अभी क्या इसको म्यूट कर देते हैं, अभी क्या सुनिए। जुल्फे बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई, okay। हम लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो ट्यून वगैरह भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर ऑटो ट्यून वगैरह पिचिंग वगैरह न्यूटन या फिर पैचार पिचार कुछ नहीं किया। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, बनी रहिए मेरे साथ ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टेक्नो बेंगली बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।